अब बात करेंगे निवाड़ी जिले की, जहां पर सेतपुरा गांव के 3 साल के मासूम प्रहलाद कुशवाहा को लगातार बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। बोरवेल में गिरे 24 घंटे का वक्त हो चुका है, मासूम को बचाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। जिला प्रशासन और सेना की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। प्रहलाद 60 फीट नीचे बोरवेल में जा फंसा है, गिर गया उसमें। अभी तक करीब 50 फीट तक की खुदाई की जा चुकी है। रेस्क्यू टीम को अभी भी 10 से 15 फीट खुदाई करने के लिए समय चाहिए, खुदाई करना होगा, बाकी है। अभी आपको बता दें कि निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के शैतपुरा गांव का ये मामला है, जहां पर 3 साल का मासूम, 3 साल का बच्चा प्रहलाद, जिसका नाम है प्रहलाद कुशवाहा, अपने खेत में बने हुए बोरवेल में गिर गया। बोरवेल तो 200 फीट गहरा बताया जा रहा है, लेकिन प्रहलाद जो है तकरीबन 60 फीट की गहराई पर जा फंसा है। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है। मौके पर मौजूद डॉक्टर का कहना है कि बच्चे को लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है। पहले बच्चे में हलचल भी थी, लेकिन अब समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। डॉक्टर ने कहा कि ईश्वर का ही भरोसा है, बच्चा सुरक्षित रहे, इसके लिए पूरी कोशिशें की जा रही है। वहीं पर बच्चे की सलामती के लिए लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं ईश्वर से। जो कल देखा था तो मूवमेंट तो कल शाम के टाइम में तो नहीं था, और वो ही स्थिति अभी थोड़ी देर पहले थी। हो सकता हो वो अनकॉन्शियस हो गया हो, तो अभी निकालने पे ही पता चल पाएगा यथा स्थिति क्या है। बच्चे की हालत अभी स्थिर है और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा कि आप देख ही रहे हैं लगातार चल रहा है। अगले 3 से 4 घंटे में होपफुली हम बच्चे को रेस्क्यू कर लेंगे। 40 फुट तक खुदाई हो चुकी है और इसके बाद NDRF के जो एक्सपर्ट हैं वो इसको पूरा लीड कर रहे हैं और उन्हीं के निर्देशन में खुदाई का कार्य चलेगा। हम घर से आए, घर छोड़े आए ने, हम केसन के पाइप ले आए, पाइप ले आके हमने बोर उगे गए, ऊपर तसला एक वो पत्थर रख दिया, छोटा पत्थर, तसला फाइबर का है। हम लग गए केसन को छेद कर, देखो मैं बोर के पास, और बच्चा आया और हम खोल नहीं दिखाई दिए, वो बोर के पास पहुंचा, उसने तसला पत्थर फेंका, वो उसे गिर गया, हमको आवाज़ मिली, हम दौड़े। ज्यादा जानकारी के साथ आरबी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा हम उनका रुख करेंगे। आरबी सिंह, क्या कुछ जानकारी है, क्या हलचल वहां पर चल रही है, आपके आसपास काफी भीड़ भी दिखाई दे रही है? आपको बता दूं कि यहाँ रेस्क्यू कार्य बिल्कुल लगातार जारी है और सेना के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी उसके ऊपर बारीकी से ध्यान रखे हुए हैं। और सबसे ज्यादा इसमें जो समय लग रहा है, समय लगने का मूल कारण रहा कि चूंकि बोर कच्चा है और मिट्टी कहीं खिसक ना जाए, बच्चा चूंकि गहराई पे फंसा हुआ है, 60 फीट गहराई पे फंसा हुआ है और अभी लगभग 50 फीट के लगभग खुदाई हो पाई है, बाकी 10 फीट अभी और खुदाई होना है, जिसमें करीब 3 से 4 घंटे लग सकते हैं जी। और बाकी हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग भी खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है, कैसे जी वो गिर गया और खेलते समय गिर गया। हाँ, लोग खेल रहे थे, बच्चे वगैरह।